सरकार जो पैसा शासकीय कार्यों में निर्माण में खर्च करती है वो पैसा दरअसल जनता का होता है। अब अगर उस पैसे का दुरुपयोग हो और उसके खंडहर हमें सालों से मुंह चिढ़ाएं तो क्रोध और बढ़ जाता है। जनता के गुस्से का कारण कर्मचारी अधिकारी नहीं बनते बल्कि ऐसी हरकतों का खामियाजा जनता के प्रतिनिधि को चुनाव के वक्त भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा वार्ड 20 के शासकीय स्कूल में देखने को मिला है। जब इस स्कूल को खोलना ही नहीं था तो बनाया ही क्यों गया, और बनाया गया तो खोला क्यों नहीं गया, जिसे क्षेत्र की जनता में क्रोध पनप रहा है। सरकार शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए का बजट तैयार करती है, लगातार संसाधन बढ़ाने का दावा किया जाता है, शिक्षकों को भी वेतन अच्छा खासा दिया जाता है। पूरा फोकस इस बात पर है कि शिक्षण संस्थानों को आधुनिक और रोचक बनाया जाए ताकि बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित हों और संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। ताजा और रोचक मामला शहर के वार्ड नंबर 20 का है। तकरीबन 9 साल पहले 2012 में इस वार्ड के आजाद नगर में एक स्कूल की भव्य बिल्डिंग तैयार की गई थी। बताया गया था कि कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे इस स्कूल में शिक्षित होंगे। क्योंकि यह क्षेत्र गरीब और पिछड़ी बस्तियों में शामिल है, लिहाजा यहाँ एक शासकीय स्कूल की आवश्यकता भी थी। इस दृष्टि से सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद 9 साल का समय बीत चुका है और अब लगता है कि शिक्षा विभाग ये बिल्डिंग बनाकर ही भूल गया है। अब तक स्कूल में कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं और ये बिल्डिंग अब पुरानी हो चली है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि वार्ड में रहने वाले बच्चे 3 से 4 किलोमीटर कुशमौदा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ज्यादातर बच्चे गरीब हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, जिस कारण ये सरकारी स्कूल शुरू होना था लेकिन अभी तक इसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई। 9 साल से बंद पड़ा है, जो कम से कम 1,015 घर की बस्ती है। लॉकडाउन लग गया, 2-3 हजार बच्चे यहाँ से 3-4 किलोमीटर कुशमौदा पढ़ने जाते हैं। जब ये स्कूल बना 9 साल से, तो इसमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? हम बहुत, यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। तो शासकीय बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन बरबटपुरा में, लेकिन ये अभी तक 9 साल से खुला नहीं है, ना कोई यहाँ स्कूल है, ना बच्चे यहाँ के बहुत परेशान होते हैं छोटे छोटे। ये पांचवी तक स्कूल लगना चाहिए, यहाँ से करीब 3-3, 4-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है शासकीय स्कूल। इस शासकीय स्कूल ये यहाँ पे बिल्डिंग है तो इसमें एक शासकीय स्कूल लगना चाहिए, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक कोई स्कूल नहीं है। यहाँ से पास में मतलब 4 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे कुशमौदा गांव है, तो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहर से गांव की ओर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के लिए स्कूल, शासकीय स्कूल खुलने का हम लोग पूरे मोहल्लेवासी ये चाहते हैं। पढ़ते नहीं, दूर दूर बच्चे जाते हैं। जब ये स्कूल, इसमें बच्चे पढ़ना ही नहीं थी, फिर स्कूल बनाया, जनता का हमारा आप सब जनता का पैसा बर्बाद हुआ, तो इससे फिजूल खर्ची हुई है, इससे क्या मतलब हुआ? और इसमें बच्चे पत्थर मत्थर फेंकते रहते हैं, गंदगी हो रही है। सब गुजारिश ये है कि इसमें स्कूल चालू हो जाए, यहाँ के बच्चे पढ़ने लगे। मजे की बात ये है कि वार्ड के पार्षद भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि स्कूल क्यों नहीं शुरू हो पाया है। हालांकि पार्षद पति नागरिकों के साथ खड़े होकर स्कूल शुरू करवाने की मांग जरूर कर रहे हैं। ये चालू कौन हुआ ये तो पता नहीं है, हम हमारी मांग है ये स्कूल चालू होना चाहिए। यहाँ के बच्चे 3-4 किलोमीटर कुशमौदा स्कूल जाते हैं, 3-4 हजार की बस्ती है ये बरबटपुरा, और हमारी मांग यही है कि स्कूल चालू हो। कभी टूटी और जर्जर बिल्डिंग में पढ़ते बच्चे दिखेंगे तो कभी बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद विद्यालयों में स्टाफ नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ ऐसा चल रहा है मानो चने हैं तो दांत नहीं और दांत हैं तो चने नहीं। अब इस मामले ने तो सबको भौचक्का कर दिया कि स्कूल की बिल्डिंग बने हुए 9 साल हो गए लेकिन इसमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ने आता। आखिर ये स्कूल क्यों नहीं खुला, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये मामला मीडिया द्वारा उछाले जाने के बाद देखना होगा शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।